बच्चों ये क्विक रिकैप है सारे के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स का, जिसके बेसिस पे हमने फाइलम मोलस्का को डिटेल में पढ़ा था। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेमोरी मैप बनाना है आप इसके हेल्प से बड़ा इजीली बना सकते हो। और अब इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्लासिफिकेशन मेनली की जाती है फुट और शेल के बेसिस पे। ठीक है, तो छह मेजर जो क्लासेस हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली क्लास है आपकी मोनोप्लेकोफोरा। देखिए 10 से 12 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम इसको डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले तो नाम से ही आपको आइडिया आ जाएगा, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, एंड प्लेका का मतलब प्लेट, सिंगल प्लेट, वन प्लेट बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्या कह देते हैं, मोनोप्लेकोफोरा। तो ये मराइन वाटर में मेनली प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी या तो ओवल होगी या कप शेप हो सकती है, डोम शेप हो सकती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है। ये तो स्पेशलिटी है, ग्रुप की ही स्पेशलिटी है कि दे आर ऑल बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। अब ये बॉडी शेप में, बॉडी स्ट्रक्चर में कॉम्बिनेशन दिखाई देता है इस चीज का, लुक्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ गैस्ट्रोपोड्स एंड टाइटेनस सेल्स। इंटरनल बॉडी सेगमेंट जहां पे दिखाई देगा, इंटरनल बॉडी सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। और मेटल, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, लाइंस ऑफ ग्रोथ मिलती है यहाँ पे, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना पुराना ऑर्गेनिज्म है, किसका शेल मेंटल होता है। और फुट में 8 पेयर होते हैं पेडल रिट्रैक्टर मसल्स के, 5 पेयर गिल्स के एक्सक्रेशन में हेल्प करेंगे, सॉरी रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, और 6 पेयर नेफ्रिडिया के एक्सक्रेशन में हेल्प करेंगे। तो मेन चीज आपको क्या याद रखनी है कि एक्वेटिक है, मराइन ऑर्गेनिजम्स है, डोम शेप्ड है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, 6 पेयर ऑफ मसल्स ऑन अंडर सरफेस, इंटरनल सेगमेंटेशन, 8 पेयर ऑफ पेडल रिट्रैक्टर मसल्स, 5 pairs of gills and 6 pairs of nephridia. Clear? Monoplacophora का बहुत बढ़िया example आपको पता होना चाहिए. Already मैं बता चुका हूँ आपको. Neoplasia. It is a connecting link between annelida and mollusca. इसको living fossil भी कहते हैं. दूसरी क्लास की अगर हम बात करें मोनोप्लेकोफोरा के बाद सेकेंड जो क्लास आती है वो क्या आएगी, वो कंफ्यूजन वाली आएगी, एम्फीन्यूरा। एम्फी का मतलब डबल, न्यूरो का मतलब नर्व्स। तो ऐसे एक्वेटिक, ऐसे मराइन ऑर्गेनिजम्स जो कि डोर्सो वेंट्रली फ्लैट हैं, ऊपर से नीचे से दोनों साइड से फ्लैट हैं, हेड रिड्यूस्ड है, ये तो स्पेशलिटी है ही सब में, बायलैटरल सिमेट्री तो मिलेगी मिलेगी, कोई सेगमेंटेशन नहीं होगा बॉडी का। वहां पे 4 पेयर थे, 4 से 6 पेयर थे नेफ्रिडिया के, यहाँ पे 1 पेयर ऑफ नेफ्रिडिया, 8 प्लेट्स इस तरीके वाली, 8 प्लेट यहाँ पे प्रेजेंट होती है ऑन डोर्सल सरफेस। फुट मस्कुलर है, ब्रॉड है, जिसकी हेल्प से अपने आप को रॉक के साथ, हार्ड सब्सट्रेटम के साथ अटैच कर लेता है, तो इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। टिनिडिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, गिल्स की मॉडिफिकेशन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम विद नर्व रिंग, बट गैंग्लियंस आर नॉट प्रेजेंट हियर। डायशियस मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं और रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखिए एक्चुअली क्लास क्या है, एम्फीन्यूरा है, पॉलीप्लेकोफोरा इसकी सब क्लास है, बहुत सारी बुक्स में पॉलीप्लेकोफोरा का क्लास स्टडी किया गया, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। काइटन सी माइस, माइका जिसको कहते हैं, या कोट ऑफ मेल शेल, कोट ऑफ मेल शेल भी इसको कहा जाता है। ठीक, सॉरी SHEL है, मेल शेल। तो काइटन याद रखना आपको एम्फीन्यूरा में या पॉलीप्लेकोफोरा में। तीसरा ग्रुप है डेंटेलियम, जिसमें आता है स्कैफोपोडा, टस्क शेल जिसमें आता है डेंटेलियम। स्काइफा का मतलब बोट, पोडा का मतलब लेग, सो टस्क शेल एनिमल्स कहते हैं ये, डेंटेलियम इसका एग्जांपल। स्पेलिंग्स में आज क्या हो रहा है, डेंटेलियम टस्क शेल। तो बाकी भी चीजें देखो सेम है, बायलैटरल सिमेट्री है, लेकिन जो स्पेशल फीचर्स है वो मैं बता देता हूँ, ना तो हेड है ना कोई आई आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, माउथ में, माउथ रीजन में यहाँ पे क्या है, टेंटिकल्स हैं, ये टेंटिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। रेस्पिरेशन मेंटल के थ्रू होता है, एक्सक्रीशन ब्लड के थ्रू होता है, शेल ट्यूबुलर है, एक ही वॉल्व का बना हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है,
तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं स्कैफोपोडा के, एक्सक्लूसिवली मराइन, कोई टेरेस्ट्रियल फॉर्म नहीं होती। शेल ट्यूबुलर ओपन एट बोथ एंड, यूनिवाल्व है, डेंटेलियम इसका एग्जाम्पल है, रेस्पिरेशन थ्रू मेंटल सरफेस। ये चार फीचर भी अगर आप याद रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। फोर्थ क्लास में जाने से पहले ये जो एग्जाम्पल्स हैं, जो कुछ और फीचर्स हैं आप वो देख लीजिए। हार्ट प्रेजेंट होता है लेकिन ओरिकल्स एब्सेंट होते हैं, ओपन सर्कुलेशन है, कोई बहुत मतलब स्पेशल फीचर्स जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं। डेंटेलियम आपको याद रखना है, मैंने क्या बताया कौन कौन से फीचर्स आपको याद रखने हैं, चलो बताओ। सबसे पहले एक्सक्लूसिवली मराइन है, कोई टेरेस्ट्रियल फॉर्म नहीं है। दूसरा एक्सक्लूसिव फीचर क्या बताया मैंने, शेल ओपन एट बोथ एंड। तीसरा हेड एब्सेंट। चौथा टेंटिकल्स इन माउथ रीजन। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर रहा हूं मैं, लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल टस्क शेल जिसको डेंटेलियम कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको याद रखना है। उसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आ जाती है क्लास फोर, गैस्ट्रोपोडा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब ये देखो मराइन भी होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ये फ्रेश वाटर भी होते हैं और मॉइस्ट सॉइल में भी मिलते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे स्पेशल चीज होती है, देखो गैस्ट्रो बैली का मतलब तो क्या होता है, गैस्ट्रो का मतलब बैली, पोडा का मतलब फूड। अब यहाँ पे ये जो पाइला या एपल्स नहीं आप देख रहे हो, यहाँ पे जो शेल है उसकी कोइलिंग है, इसको कहते हैं टोरोजन कहते हैं। इसी वजह से ये एसिमेट्रिकल हो जाते हैं, सिमेट्रिक कैसे, यहाँ पे गैस्ट्रोपोडा में एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म स्पाइरली कोइल्ड है, ठीक है, स्पाइरली कोइल्ड है, एसिमेट्रिकल है ड्यू टू टोरोजन। नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एसिमेट्रिकल। दूसरा इंपॉर्टेंट, शेल प्रेजेंट भी हो सकता है जैसे स्नेल में होता है, एब्सेंट भी हो सकता है स्लग स्लग में होता है, अनसेगमेंटेड है, डिस्टिंक्ट हेड इज प्रेजेंट हैविंग आईज एंड टेंटिकल्स, ठीक। और क्या स्पेशल स्ट्रक्चर है, नर्वस सिस्टम में चार पेयर गैंग्लिया के हैं, नाम याद रखने, सेरेब्रल बक्कल प्लूरल एंड पेडल गैंग्लिया, ट्रोकोफोर एंड वेलिकर दोनों के दोनों लार्वा यहाँ पे दिखाई देते हैं। रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू हो सकता है, जिनको हम टेनिडिया कहते हैं यहाँ पे, और जो लैंड फॉर्म्स है उनमें पल्मोनरी सैक होता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आते हैं इसमें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, पायला एप्पल स्नेल, ये एसिमेट्रिक, ये फुट है जिसके हेल्प से इसको अटैच रखता है अपने आपको, एप्लेशिया सी हेयर है, डोरिस सी लेमन है, लाइमैक्स स्लग है जो आप रेनी सीजन में आपको कई बार अपने आसपास दिख जाता है, सेप्रेरिया काउरी, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बच्चों को गले में पहनाई जाती है, कोडी कोडी जिसको कहा जाता है, पटेला लिम्पेट्स हैं, ये भी अपने आपको हार्ड सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रख लेते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इंपॉर्टेंटली याद रखें। अगली क्लास बाइवेल्विया, पहले सिपोडा कुछ भी कह सकते हो, ये भी मराइन और फ्रेश वाटर दोनों फॉर्म होते हैं, मराइन और फ्रेश वाटर दोनों फॉर्म होते हैं, हैचेट लेग फुट प्लग शेप्ड फुट। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स वही देख लेते हैं एक बार फिर से कि हैचेट बॉडी है, लैटली कंप्रेस्ड बॉडी है, तो ऐसा लगता है कि दो पार्ट है, जैसे हमारा सोप केस होता है ना, साबुनदानी जो होती है, साबुनदानी में दो केस होते हैं, ऊपर का एक नीचे का, इसी तरह यहाँ पे भी दो पार्ट होते हैं, जो हिंज मतलब गेट में हिंज जो लगे होते हैं ना वो जुड़े होते हैं। ये वापस से बायलैटरल सिमेट्रिकल है। अब यहाँ पे लेकिन क्योंकि दो वॉल्व हैं तो बॉडी एनक्लोज्ड है वॉल्व में, लैटरली कंप्रेस्ड है, तो यहाँ पे हेड आईज टेंटिकल जैसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलती बच्चों, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। अब जो मेंटल है दोनों के दोनों वॉल्व में प्रेजेंट होता है, शेल के दोनों वॉल्व में प्रेजेंट होता है यहाँ पे, इसलिए उनको उसको बाइवेल्विया कहा जाता है ना। गिल्स जो होते हैं स्पेशल डब्ल्यू शेप्ड होते हैं, उसके अलावा कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती, लेकिन दो ओरिकल और एक वेंट्रिकल यहाँ पे हार्ट में प्रेजेंट होता है, विच शोज ओपन सर्कुलेशन। रेडुला यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे पेड गैंग्लिया प्रेजेंट है,
एक सेरेब्रल गैंग्लिया, एक विसल गैंग्लिया, एक पैडल गैंग्लिया, वेलिगर और क्लोचिडियम लार्वा यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑस्ट्रिया एडिबल ओस्ट्रस, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, मिस्टिलिस बहुत कॉमनली जापान में चाइना में खाए जाते हैं मसल्स। इसके और एग्जाम्पल की बात करो आप उनियो, इसको फ्रेश वाटर मसल कहते हैं, फ्रेश वाटर मसल इज उनियो। इसके अलावा पिंटेडा, पिंटेडा इज पर्ल ऑस्ट्रस, पिंटेडा वल्गैरिस, पिंटेडा वल्गैरिस आपको याद रखना है। अच्छा यहाँ पे जो नेक्री लेयर होती है, नेक्री लेयर जो होती है इसको मदर ऑफ पर्ल कहते हैं, नेक्री लेयर इज कॉल्ड मदर ऑफ पर्ल। ये लेयर जो है नेक्री लेयर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनी होती है और इसके साथ साथ इसमें कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। लास्ट क्लास ये फ्रेश वाटर और ये यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कुछ एग्जांपल्स। लास्ट क्लास जो है दैट इज कॉल्ड सिफेलोपोडा। जो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स मिलते हैं वो इसी क्लास में मिलते हैं, सिफेलोपोडा में। बहुत स्पेशल क्लास है, जैसे गैस्ट्रोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट थी वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, सिफेल का मतलब होता है हेड, पोडा का मतलब फ्लैग। तो ये भी एक्सक्लूसिवली मराइन है, एक्सक्लूसिवली मराइन, कोई फ्रेश वाटर फॉर्म कोई लैंड फॉर्म नहीं मिलती, फ्री स्विमिंग है। मोस्ट सक्सेसफुल इनवर्टिब्रेट्स लार्जेस्ट भी इसीलिए है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, क्लियर हेड, लार्ज डेवलप्ड आईज, फूड पे टेंटेकल्स हैं, सिफोन प्रेजेंट होते हैं जो कि जेट प्रोपल्शन करते हैं, जेट मैकेनिज्म, वो लोकोमोशन में भी हेल्प करता है और डिफेंस में भी हेल्प करता है। अनसेगमेंटेड बॉडी है, शेल नॉर्मली एब्सेंट होता है लेकिन नॉक्टिलस में इंटरनल स्केलेटन, एक्सटर्नल स्केलेटन मिल जाता है, सीपिया में इंटरनल स्केलेटन मिल जाता है। इंक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, जो जेट प्रोपल्शन है ना उसी में ये इंक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो डिफेंस में काम आते हैं। जब कोई प्रीडेटर आता है तो अपनी बॉडी से ये इंक ग्लैंड क्या होता है, इंक सिक्रीट करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बाय दैट टाइम दे रन अवे। प्लेट लाइक गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है एंड लार्ज नेफ्रिडिया, पेयर्ड लार्ज नेफ्रिडिया एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ये देखो ये इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था क्लोज सर्कुलेशन या तो इनवर्टिब्रेट में एनालिडा में था या सिफेलोपोडा में क्लोज सर्कुलेशन होता है। नर्वस सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पे, आप देखिए क्योंकि हम हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाते जा रहे हैं तो ब्रेन प्रेजेंट होता है, पेयर्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। अब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों हो जाता है, ऑक्टोपस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पे लार्वल सेज एब्सेंट होते हैं और रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होगा। बच्चों बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें भी आ जाता है, सेपिया जिसको हम कटलफिश कहते हैं, क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दस आर्म होते हैं, ऑक्टोपस डेविल फिश यहाँ पे शेल एब्सेंट होता है, आठ आर्म होते हैं, ब्लू ब्लड होता है साइनिन पिगमेंट की वजह से। एर्गोनोटा जिसको पेलेजिक ऑक्टोपस कहते हैं, पेपर लाइक शेल होता है इसमें, लोलिगो सी आर ओ ब्लू ब्लड वही दोबारा से, स्क्विड्स जायंट स्क्विड्स लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट यही होता है जायंट स्क्विड। एंड तो इंक ग्लैंड इनकी स्पेशलिटी है, एक्सेलेंट सिफोन इनकी स्पेशलिटी है, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन इनकी स्पेशलिटी है, वर्टिब्रेट लाइक आईज इनकी स्पेशलिटी है, शेल इंटरनल होता है सेपिया में, एक्सटर्नल होता है नोटिलस में, एब्सेंट होता है ऑक्टोपस में। तो बहुत सारे स्पेशल फीचर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन। तो हमने फीचर्स की भी बात कर ली, हमने क्लासिफिकेशन की भी बात कर ली। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये पिंक पीपल ऑफ पैरिस से लाइट करंट ऑन ओल्ड एज, एक लाइन था, सारे के सारे एग्जांपल्स याद कर लोगे, पीपल पाइला पैरिस टिटरा से लाइट लोलिगो करंट काइटन ऑन ऑक्टोपस ऑल एप्लेशिया डेज डेंटेलियम, सारे के सारे एग्जांपल याद होंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट लार्वल फॉर्म्स मैंने बता दी। सबसे कॉमन लार्वा कौन सा होता है, सब स्पेशल वेलिगर लार्वा किस में मिलता है,
स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ये सारे के सारा। एक भी वर्ड अगर आपको लगे कि मैंने डिस्कस नहीं किया है वीडियो में, आप फटाफट कमेंट सेक्शन बताइए, एक सिंगल वर्ड, मैं लाइन की नहीं कह रहा, सिंगल वर्ड अगर डिस्कस नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। ये पूरा का पूरा हमने डिस्कस कर लिया है, अलोंग विद कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, मोलस्का कंप्लीटेड है। मोलस्का के बाद क्या आएगा, क्या डिस्कस करेंगे हम, ये देखिए कितने ब्यूटीफुल क्रिएचर्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इकाइनो डरमेटा की, इकाइनो डरमेटा की देखिए कितने, मतलब बाइवेल्विया से लेके पोलीप्लेकोफोरा, गैस्ट्रोपोडा, सिफेलोपोडा जिसमें लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, डेंटेलियम, ये आपको टस्क शेल दिख रहा होगा, ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म से। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, चीजें आपको समझ आ रही है तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसको ये कर दीजिए, नए हैं तो ये कर दीजिए और नीडी वन के साथ शेयर कर दीजिए। हमारा टारगेट यही है, वी नो यू आर ब्राइट माइंड्स, सिर्फ आपको मेंटोरिंग की जरूरत है, मेंटोरिंग के लिए हम आपके साथ हैं, हमेशा जुड़े हुए हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी बट बेटा आपको दिमाग में नहीं रखना, आपको तुरंत अपने डाउट्स पूछने, ठीक है।